हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल V2 मैथ्स क्लासेस में। मैं दुर्गेश जोशी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पूरे साल भर का कैलेंडर एक पेज में कैसे बनाएंगे वो जानेंगे, जिससे कि दोस्तों हमें बार बार कैलेंडर के पेजेस को चेंज करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हम पूरे साल भर का कैलेंडर एक ही पेज में देख पाएंगे। तो दोस्तों, ये जो साल चल रहा है, ये 2023 चल रहा है, तो आइए हम इसी साल 2023 का पूरे साल भर का कैलेंडर एक पेज में बनाना देखेंगे। तो आइए दोस्तों, हम साल 2023 का वन पेज कैलेंडर बनाना देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 1 से लेकर 31 तक की संख्याओं को नोट कर लिया है और इनको मैंने साथ साथ के क्रम में डिवाइड कर रखा है। 1 से लेकर 7 तक, फिर 8 से लेकर 14 तक, फिर 15 से लेकर 21 तक, फिर 22 से लेकर 28 तक, फिर 29, 30, 31। और आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैंने 30 को ब्लू पेन से लिखा है और 28 को रेड पेन से, और 31 जो है वो ब्लैक पेन से, क्योंकि हमारे कुछ महीने 30 के जाएंगे, कुछ 31 के जाएंगे, और क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है इसलिए फरवरी हमारी 28 दिनों की जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर ये तो हो गया नंबर्स की बात। अब हमने जो सप्ताह के नाम हैं वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म में लिख रखे हैं। तो ये मैंने संडे से स्टार्ट किया, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इसी तरह से संडे से लेकर सैटरडे तक। फिर संडे के बाद यहाँ से मंडे से स्टार्ट किया, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इसी तरह से मैंने पूरा ये कंप्लीट कर दिया है। अब उसके बाद दोस्तों, साल का पहला दिन हमारा पहली जनवरी को संडे था। तो देखिए, पहली तारीख को संडे है, तो ये वाला कॉलम ये जनवरी मंथ को बता रहा है, और जनवरी मंथ में हमारे 31 दिन होते हैं, तो पूरे 28 दिन हमारे इसी में कंप्लीट हो जाएंगे। 7 को 28 इसी इस वाले कॉलम में, 4 हफ्ते, और 28 सैटरडे को, 28 जनवरी को सैटरडे है, और उसके बाद 29, 30, 31, तो सैटरडे के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, मतलब कि मंगलवार 31 तारीख को हमारा जनवरी का आखिरी दिन है। और उसके बाद मंगलवार के बाद, ट्यूसडे के बाद अगला जो दिन आएगा वो पहली फरवरी वेडनेसडे होगी। तो यहाँ पर आप देखिए, वेडनेसडे कहाँ मिल रहा है, तो इस वाले कॉलम में मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारी फरवरी स्टार्ट हो रही है, और फरवरी 28 दिनों की होगी, तो 7 चक्को 28 यहीं पर खत्म हो रहा है। तो देखिए, 28 फरवरी को हमारा ट्यूसडे है, और ट्यूसडे के बाद जो अगला दिन आएगा वो वेडनेसडे आएगा, और वो मार्च का पहला दिन होगा। तो देखिए, वेडनेसडे हमें वो भी इसी कॉलम में मिल रहा है। देखिए, तो यहां पर हमारा ये मार्च लिखा जाएगा, और मार्च हमारा 31 दिनों का होता है। तो ये 7 चक्को 28, 28 मार्च को ट्यूसडे, फिर 29, 30, 31, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे देखिए, तो दोस्तों यहां पर ही हमारा मार्च आ रहा है, और फ्राइडे के बाद जो अगला दिन आएगा वो सैटरडे होगा, और वो अप्रैल की पहली तारीख होगी। तो सैटरडे पहली तारीख देखिए यहां पर मिल रही है, तो ये हमारा अप्रैल मंथ लिखा जाएगा, और अप्रैल मंथ 30 दिनों का होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसलिए मैंने ब्लू से लिखा हुआ है। तो 30 दिन, 7 चक्को 28, 4 पूरे हफ्ते और 2 एक्स्ट्रा दिन, 28 फ्राइडे, फिर सैटरडे, संडे। तो संडे को आप देखिए, संडे हमारा यहीं पर हमारा अप्रैल खत्म हो रहा है यहाँ संडे को, और उसके बाद संडे के बाद मंडे हमारा पहली तारीख होगी, और वो मई की होगी। तो मंडे पहली तारीख देखिए यहाँ मिल रही है मई की, तो यहाँ पर हम मई लिख लेते हैं, और मई हमारा 31 दिनों का जाएगा, तो 4 पूरे हफ्ते और 3 एक्स्ट्रा दिन। तो संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे देखिए यहाँ पर आपका ये आ गया वेडनेसडे, और वेडनेसडे के बाद अगला दिन पहली तारीख लेके आएगा थर्सडे, तो मई के बाद जून, और यहाँ पर हम जून लिखेंगे। जून हमारा 30 दिनों का होता है, तो 7 चक्को 28 और 2 एक्स्ट्रा दिन, तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो फ्राइडे हमारा देखिए ये 30 जून, यहाँ पर जून समाप्त हो गया, और फिर फ्राइडे के बाद अगला दिन सैटरडे, और वो जुलाई की पहली तारीख होगी। तो सैटरडे हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो ये जुलाई की पहली तारीख सैटरडे, और जुलाई हमारा 31 डेज का होता है, तो 7 चक्को 28 फ्राइडे, फिर 3 और दिन सैटरडे, संडे, मंडे, तो मंडे आपका देखिए आपका जुलाई खत्म हो रहा है 31 को, और जुलाई के बाद मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे देखिए वो हमारा जुलाई के बाद अगस्त आएगा, तो ये रहा ट्यूसडे, और ये भी 31 दिन का होता है, तो इसे भी मैं ब्लैक से ही लिखूंगा, क्योंकि ब्लैक से हमने 31 लिख रखा है। तो
अगस्त में 31 डेज होते हैं, तो 7 को 28 और 3 एक्स्ट्रा दिन, तो मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो थर्सडे यहां पर हमारा देखिए 31 अगस्त समाप्त हो गया। अगस्त के बाद सितंबर, तो थर्सडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे यहां पर देखिए हमारा सितंबर आएगा, और सितंबर हमारा 30 दिनों का होता है, तो ये मैंने सितंबर लिख दिया, सितंबर में 30 दिन है, तो 7 को 28, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, और सॉरी वेडनेसडे थर्सडे आ गया यहाँ पर, तो थर्सडे के बाद है फ्राइडे सैटरडे, तो सैटरडे को हमारा ये सितंबर खत्म हो गया। सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर हमारा 31 का जाएगा, और सैटरडे के बाद संडे, देखिए तो अक्टूबर हमारा यहाँ पर आ रहा है जनवरी के साथ, और ये हमारा 31 डेज का होगा, तो 31 डेज का होगा, तो ये यहाँ ट्यूसडे पर खत्म होगा, और ट्यूसडे के बाद अगला दिन वेडनेसडे, तो अक्टूबर के बाद नवंबर, वेडनेसडे में देखिए यहाँ पर हमारा नवंबर आ रहा है, और नवंबर हमारा 30 दिनों का होता है, तो ये नवंबर 7 को 28 और 2 एक्स्ट्रा दिन, तो यहाँ थर्सडे को हमारा नवंबर खत्म हो रहा है, और उसके बाद थर्सडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे को दिसंबर, पहली तारीख फ्राइडे, और वो दिसंबर की पहली तारीख, और ये हमारा दिसंबर, दिसंबर हमारा 31 डेज का होता है, तो ये हमारा दिसंबर आ गया, और दिसंबर की आखिरी तारीख देखिए ये 7 को 28 पूरा हफ्ता के बाद ये आपका संडे पड़ रहा है, तो साल का अंतिम दिन हमारा संडे है, और साल का पहला दिन भी हमारा संडे था। दोस्तों हम साल 2023 का वन पेज कैलेंडर बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।